के तेरी आबरू कातिल जिंदा है, लूट तेरी आबरू कातिल जिंदा है। बहन मनीषा हम शर्मिंदा है, लूट तेरी आबरू कातिल जिंदा है। आज 29 सितंबर है और हाथरस की मनीषा वाल्मीकि की आज जो है वो बरसी है, जिसके साथ दरिंदगी की गई थी बड़ी बेरहमी से, और मौन यात्रा जो है जनपद से लेकर जंतर मंतर की ओर निकाली गई है। तो भाई बिरजू पहलवान जी यहाँ मौजूद है, जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष है। भानु प्रताप जी जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है वो यहाँ मौजूद है। देखिए सुनील भाई, बिल्कुल भी कानून काम नहीं कर रहा है, ना ही ये सरकार काम कर रही है। परिवार का आपको पता होगा, परिवार को कितना पीड़ित हो रहा है। वहाँ पे पूरे गाँव की गंदगी पीड़ित के परिवार के घर में फेंकी जा रही है। क्यों फेंकी जा रही है? क्यों? कि वो दलित है, इसलिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये सरकार इंसाफ नहीं देगी, जब तक हम ऐसे ही रोडों पर घूमते रहेंगे और ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, हम चाहे वो एससी की बेटी हो या कोई भी हो, पर ये एससी की बेटी है, वाल्मीकि है, इसलिए इस परिवार पर जातिवाद किया जा रहा है। उसके बावजूद जो घूम रहे हैं ये और उन्हें बेल भी मिल जाती है, और सीमा कुशवाहा जैसी एडवोकेट जो दलितों के लिए लड़ते हैं उनको जो है वो प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो अपराधी हैं उन अपराधियों को संरक्षण राजनीतिक रूप से राजनीतिक नेताओं द्वारा, शासन प्रशासन द्वारा, जातिगत और धार्मिक आधार पर उनको संरक्षण मिलता है। और जो ये सरकार है कि वो कैसे खुले घूमते उनको बेल मिल जाती है, जिम्मेदारी सरकार की है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से हो, सबूत इकट्ठे किए जाएं, और अगर ऐसा होगा तो किसी को भी बेल नहीं मिलेगी। मैं एडवोकेट होने के नाते मैं जानता हूं और कह सकता हूं, अगर प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो तो किसी हालत में बेल नहीं मिल सकती। लेकिन जब शासन प्रशासन ही सबूत मिटा दे, जैसे इस मनीषा वाले कांड में हाथरस वाले में देखें कि किस तरह से मिलने नहीं दिया गया, या जब यहां से सफदरजंग से उसकी लाश वहां गई तो परिवार के लोगों को भी नहीं मिलने दिया गया, और उनसे बिना मिले ही, उनकी बिना अनुमति के ही उस पर तेल छिड़क कर शव का दाह संस्कार कर दिया गया। मतलब अब अगर कुछ भी हो सकता है वो सारे सबूत इस तरह से मिटाए गए। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्वेस्टिगेशन का सही नहीं होना, सबूतों का मिटाया जाना, राजनेताओं द्वारा, सरकार द्वारा अपराधियों को संरक्षण देना, ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। क्या है, साल भर हो गया जो मनीषा बेटी की हत्या के, और योगी सरकार ने वादा किया था एक नौकरी देने के लिए और एक मकान देने के लिए, मेरा कहना उसी से, ना नौकरी दिया ना मकान दिया, वो अशिक्षित है। उसी से लगता है कि न्याय क्या मिलने वाला है। एक साल ज्यादा हो गया, दोषियों को अभी तक सजा नहीं दिया गया है, इसलिए आज दलित समाज, वाल्मीकि समाज सड़क पर उतरा हुआ है। साल पूरा हो गया है और सब कुछ नहीं, सरकार ने सब कुछ नहीं किया, न्याय नहीं दिया है, और लगता भी नहीं है कि दलित बेटी को न्याय मिलने वाला है। तो अब सड़क ही एक मात्र विकल्प बच गया है कि सड़क पर उतर करके पूरे देश के जो जनवादी ताकते हैं, दलित समाज के लोग हैं, संघर्ष करके न्यायालय, निर्भया का मामला दिल्ली में हुआ था, सभी समाज के लोग आ गए, लेकिन क्या बात है कि दलित बेटी को के साथ में वही उसी तरीके से जघन्य अपराध हुआ। पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने मानने से तैयार कर दिया था कि इसके साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद में डरवाने का कार्य किया गया, वो
उसके बाद में कहा कि रिपोर्ट में ऐसी पुष्टि नहीं हो रही है कि उसके साथ में दुष्कर्म हुआ। लेकिन जब राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जब सारे लोग और राजनीतिक लोग जब मैदान में आए, तब जाकर के इंक्वायरी शुरू हुई है और अदालत में यह केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई फैसला नहीं है। जब त्वरित अदालत है तो इस पर फैसला अभी तक आ जाना चाहिए। और एक लड़ाई जो है वो जमीनी लड़ाई जो है आप लोग लड़ रहे हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा, आपने जितने भी केस है, शेर सिंह वाल्मीकि हो या 13 साल की बच्ची हो, 6 साल की बच्ची हो, आपने सभी के जो केस उठाए हुए हैं, आप मजबूती के साथ जो लगे हुए हैं, लोग मीडिया पर जवाब देते हैं, मीडिया पर लड़ते हैं, लेकिन आप जो ज़मीनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप परिवार के साथ में जो खड़े हैं दिन रात, आप क्या कहेंगे? अभी आपने मौन यात्रा जो रखी है उस पर क्या कहेंगे? क्या आपको सरकारों से और सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है या नहीं है? पहले तो मैं अपने जागो समाज चैनल का बार बार तहे दिल से धन्यवाद करूँगा। आप जो दिल्ली कैंट की जो 9 साल की बच्ची के साथ में जो घटना हुई थी, वो पहला चैनल एक आपका ही था, हम भी आपके लाइव चैनल को देखकर ही वहाँ पर पहुँचे थे। अगर आप जैसे जर्नलिस्ट जो मतलब सच्चाई को सामने लेके आते हैं, अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचते तो क्या उस बच्ची के लिए वहाँ पर वो मेला लगता जो नेताओं ने आगे लगा रखा था? और उदित राज जी एक्स MP रह चुके हैं, इनके जो इनके अंदर की जो भावना है ना, इनके अंदर सीने में दिल है, क्योंकि परिवार से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है ना। उनकी तरह नहीं है जो योगी मोदी जी, वे अपने परिवार को छोड़े हुए हैं। और भैया क्या पता परिवार ने उनको छोड़ा है या परिवार ने उन्होंने छोड़ा हो। मैं तो कहता हूँ बार बार योगी जी को तो खासकर, और मोदी जी भी उन्हीं की श्रेणी में आते, कहते हैं हम पहाड़ों में, उन दोनों को तो पहाड़ों में चले जाना चाहिए या तो तत्काल समाधि ले लेनी चाहिए। बहन बेटियों की लड़ाई, जैसा कि आपने बताया ज्वाइंट एक्शन कमेटी के द्वारा, जो हम जो है ना ग्राउंड से लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है ना। और ग्राउंड से ही आप शेर सिंह वाल्मीकि की फैमिली देख लीजिए, गुड़गांव के अंदर शेर सिंह वाल्मीकि जी का कितनी निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। आप खुद उस परिवार से मिले, उस परिवार को अब तक पुलिस ने सिक्योरिटी नहीं दी। अरे हमारा दायित्व बनता, हमारा कर्तव्य बनता, हमारे समाज की है, 3-3 उनकी जवान बेटे हैं, 2-2 बेटे हैं, समाज मर नहीं गया है। ज्वाइंट एक्शन कमेटी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और विकास कांगड़ा ने अपने घर में उन बच्चियों को और उसकी फैमिली को अपने पास में रख रखा है। पुलिस के भरोसे हमने रहना बंद कर दिया है, नेताओं के भरोसे हमने रहना बंद कर दिया है। हम अपनी बहनों के लिए गर्दन कटवा भी सकते हैं और गर्दन काट भी सकते हैं। बात सिर्फ हिंसा की नहीं है, ये हमारे जो अंदर की जो भावना है ये प्रकट करवाने चाह रहे हैं, ये एक षड्यंत्र ही तो है। जब से मोदी सरकार आई है आप खुद देखिए कितने हमारे दलितों की बेटियों को कितना नोचा जा रहा है। अगर एक साल पहले हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि को इंसाफ मिल जाता, उन चारों दरिंदों को फांसी मिल जाती, तो कम से कम दिल्ली कैंट की 9 साल की बच्ची, संगम विहार की 13 साल की बच्ची और ये राबिया वगैरह ये बच जाती, ठीक है ना। और यहाँ पर जो भी पहुँचे हुए हैं वे सिर्फ और सिर्फ इनके दिल में दर्द है और समाज के लिए जो बहन बेटियों की लड़ाई में उदित राज जी हमारे साथ दिल्ली कैंट में भी मौजूद रहे और